बाद देश में इतिहास रचा गया। महिला आरक्षण विधेयक के दोनों सदनों से पास होने के बाद सभी ओर खुशी का माहौल है। इस बिल का पास होना महिलाओं को देश की लोकसभा व विधानसभाओं में 33% आरक्षण मिलने की ओर एक बड़ा कदम है। वही खास बात यह है कि राज्यसभा से सर्वसम्मति से ये महिला आरक्षण बिल पास हुआ, इसके खिलाफ एक भी वोट नहीं पड़ा। इसी का जश्न मनाने के लिए पीएम मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंचे, जहां उनका बीजेपी की महिला सांसद और कार्यकर्ताओं ने भव्य तरीके से स्वागत किया। इस बिल के पास होने के बाद महिलाओं में खुशी की लहर है। पीएम मोदी जब बीजेपी मुख्यालय पहुंचे तो सैकड़ों महिला कार्यकर्ताओं ने उन पर फूल बरसाए। वहीं एक तस्वीर ये भी देखिए, जब पीएम मोदी के स्वागत के लिए महिलाएं बाहर खड़ी होती हैं, पीएम मोदी उन सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे होते हैं। एक महिला आगे आती है और उनके हाथों में गुलदस्ता पकड़ाकर तुरंत उनके पैर छू लेती है। इसके बाद आप देखिए कि पीएम मोदी शायद गुस्से में नजर आते हैं, वो उस महिला को कहते हैं कि दोबारा ऐसा मत करना, मेरे पैर मत छूना। भारत माता की, वंदे वंदे, धन्यवाद धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद, श्री नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी, भारत माता की, वंदे वंदे, धन्यवाद धन्यवाद। पीएम मोदी के साथ बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी चीफ जेपी नड्डा और निर्मला सीतारमण, स्मृति ईरानी समेत तमाम केंद्रीय मंत्री मौजूद हैं। स्वागत कार्यक्रम में लोकसभा और राज्यसभा की सभी महिला सांसदों के साथ ही महिला पदाधिकारी और अन्य महिला कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। कल राज्यसभा से बिल पारित होने के बाद महिला सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जश्न मनाया था और उन्हें गुलदस्ता भी भेंट किया था। साथ ही पीएम मोदी के साथ इन महिला सांसदों ने तस्वीरें भी खिंचवाई थी। लेकिन आप देखिए तस्वीरें, जब पीएम मोदी के सम्मान में महिलाएं उन्हें फूल मालाएं भेंट करने जाती हैं, तभी महिलाएं पीएम मोदी के पैर छूने लगती हैं, जिसके बाद पीएम मोदी उन सभी महिलाओं के आगे झुक जाते हैं और उन्हें पैर छूने से रोककर खुद ही उनके पैर छूने लगते हैं। सुनिश्चित करने का काम किया है माननीय प्रधानमंत्री जी का, बारंबार धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है। आप देख सकते हैं इस वीडियो में कि हर महिला के चेहरे पर एक अलग ही खुशी नजर आ रही है और पीएम मोदी भी उन सब का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। पीएम मोदी ने राज्यसभा से महिला आरक्षण बिल पास होने पर ट्वीट कर कहा कि हमारे देश की लोकतांत्रिक यात्रा में एक ये निर्णायक क्षण है। 140 करोड़ भारतीयों को बधाई। मैं उन सभी राज्यसभा सांसदों को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए वोट किया। इस तरह का सर्वसम्मत समर्थन वास्तव में खुशी देने वाला है। आपको बता दें कि राज्यसभा में बिल के पक्ष में 214 वोट पड़े थे, जबकि बिल के विरोध में एक भी वोट नहीं डाला गया। बिल को अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास भेजा जाएगा, उनकी मंजूरी मिलते ही ये कानून में तब्दील हो जाएगा। इसके साथ ही महिला आरक्षण विधेयक पास होने के बाद राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है और संसद का विशेष सत्र खत्म हो गया। लेकिन जिस तरह से पीएम मोदी के सम्मान में महिलाएं उनके पैर छूते नजर आई और उसके बाद पीएम मोदी ने जो किया वो तस्वीरें काफी वायरल हैं। तो आप भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।